हे भाई लोग, तो कैसे तुम लोग? तो तुमको क्या लगता है माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ऑब्वियसली डायमंड, राइट? तो देखो, ऐसा नहीं है, डायमंड कैसे हो सकता है? डायमंड के लिए तुमको चाहिए आयरन। तो अभी लग रहा होगा भाई, आयरन कैसे हो सकता है? आयरन का हम क्या करेंगे? डायमंड से सबसे ज्यादा रेयर होता है, डायमंड ही तो हमको चाहिए। नेदराइट चाहिए, डायमंड चाहिए, ये सारे तो हमको चाहिए, बट आयरन लेके हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर डायमंड खोदने के लिए भी तुमको चाहिए आयरन पिकैक्स, प्लस यहाँ पर तुमको कोई अगर एनविल बनाना होगा, नहीं तो आयरन ओट बनाना होगा, यहाँ पर आयरन गोलम बनाना, तो क्या चाहिए भाई? आयरन ही तो चाहिए। मतलब आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, यहाँ पर जो ज्यादातर काम आता है ना, वो डायमंड नहीं, वो आयरन काम आता है। डायमंड यार ओनली रेयर रेयर चीजें बनाने के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर आयरन ना बहुत चीजों में, मतलब ज्यादातर चीजों में आयरन यूज करना पड़ता है। तो इतना तो मैंने बता दिया, तो अभी थोड़ा सा तो मोटिवेटेड हो गए होंगे ना तुम यहाँ पर आयरन पाने के लिए। तो अभी आयरन पाना कैसे है? आयरन का फार्म बनाओगे और क्या कैसे करोगे क्या? बट आयरन फार्म तो सबका वर्क नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है बनाना, राइट? तो चलो, तुमने डायमंड माइनिंग वाले वीडियो में काफी ज्यादा प्यार दिया था, तो मैंने सोचा यार चलो आयरन वाला में भी बना देते हैं। आयरन में भी तुमको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज तुमको सिंपली मैं बताने वाला हूँ कैसे माइनिंग करोगे आयरन ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर मैं सच बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर तुम जो आयरन माइन करते हो ना यार, कितने मिल जाते होंगे? बहुत ही कम मिलते होंगे। बट आज तो मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा, तुम एक साथ ही ना इतने पाप पाओगे, इतने पाव पाओगे जो तुमको ना सोची ना होगी, इतने तुमको आयरन मिल जाएंगे एंड तुम इतने सारे प्रोजेक्ट बना पाओगे माइनक्राफ्ट के अंदर। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बट उससे पहले छोटा सा काम है, वो करना चाहिए और जरूर से करना चाहिए, वो है लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, एंड शेयर भी कर देना आल्सो। तो नाउ अभी मैं गेम में जाता हूँ एंड तुमको दिखाता हूँ कैसे क्या करना पड़ेगा। अभी गाइस मैं हूँ वाई लेवल 16 पे। अभी यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि इतना ज्यादा वीडियो बड़ा देखोगे तो यहाँ पर दिमाग तो खराब होगा ना। और यहाँ पर बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई क्या ट्रिक बता रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तुझे आयरन मिलने में, और तू यहाँ पर मुझे बोलेगा भाई आयरन कैसे मिलते हैं? देखो यहाँ पर जेन्युइन वीडियो है ना, उसलिए यार थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा तुमको। अभी मैं भी यहाँ पर बहुत इजीली क्रिएटिव में बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर जेन्युइन वीडियो बनाना है। तो देखो यार मुझे कब तक मिलता है यहाँ पर आयरन? अभी आगे आगे देखो होता है क्या, जब यहाँ पर आयरन मिलते रहेंगे ना तब देखना होता है तो होता है क्या। अभी मिलने दो तब देख लेना खुद, बाकी यहाँ पर तुम अपना पिकैक्स ले लेना बहुत ही बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर जो भी अच्छा खासा तुमको लगाना है जादुई चीजें वो लगा लेना। यहाँ पर अनब्रेकेबल लगा लेना, फॉर्च्यून लगा लेना, फॉर्च्यून लगा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्च्यून लगा लेना ही, पक्का लगा लेना। और बातें करते करते ना हमको यहाँ पर आयरन मिल चुका है, देखो काफी ज्यादा आयरन है, तुम खुद ही गिन लो ना यार, काफी ज्यादा आयरन है। तुम इतना आयरन लेके करोगे तो करोगे क्या? अभी यहाँ पर मुझे 10 मिले, अभी तुम पकड़ लो यहाँ पर मुझे अगर 10 मिले, मेरे पास फॉर्च्यून है एंड फॉर्च्यून 3 में मुझे काफी ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा ही मिलेंगे एक से, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे। एंड अभी देखो मैं यहाँ पर अगर माइन करते जाता हूँ और देखो मुझे मिल गया भाई। यहाँ पर जब आयरन आता है ना, भरपूर आता है, इतने सारे आयरन आ जाएंगे तुम यार समझ ही नहीं पाओगे आयरन कितना लू। यहाँ पर आयरन का ना एक एरिया होता है, जब तुम उस एरिया में एंटर कर जाता हो ना, अभी तुमको मिलते ही जाएगा, बहुत ज्यादा ही मिलेगा आयरन। यहाँ पर ये ट्रिक ना काफी ज्यादा ही मस्त ट्रिक है, तो यहाँ पर तुम जरूर से करके देखना और खुद विश्वास कर लेना भाई ये ट्रिक वर्क करता है या नहीं करता है, करना चाहिए या ना करना चाहिए। अभी मैंने तो तुमको ट्रिक बता दिया, अभी तुमको यूज करना है ना करना है तुम्हारी मर्जी। अभी इतना ज्यादा अच्छा ट्रिक बताया है, जो लोग यार नहीं करोगे मिस करोगे और कुछ नहीं भाई। यहाँ पर पिकैक्स में एफिशिएंसी लगाओ, सब कुछ लगाओ, तो अभी यार बहुत ही जल्दी से तुम यार माइनिंग कर पाओगे। मैं तो यही बोलता हूँ यार, एफिशिएंसी लगा लो अगर माइनिंग करना है तब। फॉर्च्यून और एफिशिएंसी को मैं हर वक्त सजेस्ट करता हूँ, जब भी यार माइनिंग करो, डायमंड लेना है जरूर से यूज करो, यहाँ पर तुमको जो भी लेना है भाई, जो भी लेना है, आयरन लेना है, गोल्ड लेना है, ये वाले कॉम्बिनेशन को जरूर से यूज किया करो। और देखो यहाँ पर तुमको अगर जानना है कैसे बहुत इजीली, बहुत ही ज्यादा इजीली पाना है डायमंड माइनिंग करके, तो जरूर से यहाँ पर लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर लेना जो अभी एंड स्क्रीन में आने वाला है। तो सायोनारा, बाय बाय एंड मिलते किसी और वीडियो में।